ये पहला सवाल है मोहम्मद फरमान एटा मैनपुरी से। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप मुफ्ती साहब? अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तबलीगी जमात में जाता हूँ। मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें आपने ये बताया था कि फजर की नमाज सबसे पहले किसने पढ़ी थी, मगर आपने बाकी चार नमाजों के बारे में नहीं बतलाया था। मोहम्मद फरमान साहब, बात दरअसल ये है कि वक्त ना होने की वजह से बहुत सारे काम नहीं हो पाते हैं, लेकिन आपने इस चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाई, ये आपका मेरे ऊपर एहसान है और रहेगा, इसलिए आपको बतला रहा हूँ और आपके हवाले से तमाम लोगों को ये चीज़ बतला रहा हूँ। फजर की नमाज सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पढ़ी, ज़ोहर की नमाज सबसे पहले हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अदा की, असर की नमाज सबसे पहले हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अदा फरमाई, मगरिब की नमाज सबसे पहले हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अदा फरमाई, और इशा के वक्त के बारे में, इशा के वक्त जो हम नमाज पढ़ते हैं उसके बारे में दो कौल हैं। एक कौल ये है कि सबसे पहले ये नमाज हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अदा फरमाई, जबकि दूसरी रिवायत ये है कि इशा की नमाज सबसे पहले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा फरमाई, इसलिए ये नमाज बहुत अहम है।